साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस पर बल दे रहे हैं। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें दिए हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे कि सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय किस तरह नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आई क्रिएट यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये संस्थान अनेकों स्टार्टअप्स को मजबूत शुरुआत दे रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। और साथियों, सरकार के इन प्रयासों का हम असर भी देख रहे हैं। वर्ष 2013-14 में जहां 4000 पेटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले वर्ष 28,000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हुए थे, वहीं 2021 में 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं।
वर्ष 2013-14 में जहां सिर्फ 4,000 कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 के भी पार हो गई है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था, अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है।